नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। आइए इनसे जानते हैं कि सेमिनार में क्या कुछ हुआ और न्यू लेबर कोड के बारे में इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा। आज बेसिकली एक सेमिनार हुई थी न्यू जो लेबर लॉज जो गवर्नमेंट ने 2019 में 20 में लेजिस्लेट किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बीजेपी ने अपने एजेंडे में ये कहा है कि फर्स्ट 100 डेज में इनका नोटिफिकेशन होगा। तो ये उम्मीद है कि नेक्स्ट 100 डेज में ये चारों कोड इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इंडिया में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसका प्रभाव जो है सभी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में ये जो ट्रेनिंग कितनी आवश्यक है। देखिए, ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है, देखिए जो एचआर प्रोफेशनल है या फाइनेंस में काम करते हैं उनको नए लेबर लॉ कैसे लेजिस्लेट होंगे उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो डेफिनेशन है वेजेस की वो गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रीडिफाइन किया है। उस रीडिफाइन करने के चक्कर में डेफिनेटली है हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पर दोबारा से रिवाइज होगी और अक्रॉस द कंट्री। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि ये सेमिनार या वर्कशॉप हुई, ऐसी सेमिनार और वर्कशॉप रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए? इससे अवेयरनेस बढ़ती है। जी। जैसे मैं आपको एक बताऊं, आज एक्चुअली सत्येंद्र जी ने एक पॉस का प्रोग्राम भी किया था। जी। तो पॉस प्रोग्राम में एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेजिस्लेट कर दिया है कि हर 3 महीने में हर एक व्यक्ति की कंपनी में पॉस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, सो इट शुड नॉट हैपन इन द कंपनी। सो उसमें भी है। और ट्रेनिंग से क्या होता है कि बेसिकली जो रिसोर्सेज पर्सन आते हैं वो दे आर टेलिंग टू द पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनका जब आंसर आता है तो उससे सब लोगों को एजुकेशन मिलती है। तो सर, जैसे कि आपने पॉश ट्रेनिंग के बारे में बताया लोगों को, इस वर्कशॉप में उनको अवेयर किया, तो सर आपके सामने क्या सवाल लोगों ने उठाया कि किस तरह का वो मामला फेस करते हैं? ऐसा उन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं उठाया, केवल ये क्वेश्चन उठाया था कि जैसे सपोज करो हमारी एस्टेब्लिशमेंट नोएडा में जी 2 जगह है, तो क्या हमको दोनों जगह पॉस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी? जी। तो हमने कहा यदि एक एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा आपके हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो क्वेश्चन नहीं है। जी। आपको पॉस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, क्योंकि DM नोएडा ने ऑलरेडी एक सर्कुलर सर्कुलेट कर रखा है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पॉस की कंप्लायंस कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो 50,000 का फर्स्ट टाइम जुर्माना होगा, सेकंड टाइम में 1 लाख का है, और थर्ड टाइम में लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सरकार ने, सर ये जो बीजेपी सरकार ने ये न्यू लेबर कोड निकाला है, आप इससे क्या मानते हैं? देखिए, जो लेबर कोड बीजेपी सरकार ने बनाए हैं और इनको पास किया है वो डेफिनेटली है, पहले जो हमारे लेबर कोड थे 1947 के थे, बहुत पुराने थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में डेफिनेशन वेजेस की अलग है, ESI में अलग है, ID एक्ट में अलग है, ठीक है ना, और दूसरे एक्ट में अलग अलग थी। अब क्या किया है इन्होंने, सारी डेफिनेशन वेजेस की हो, एम्प्लॉय की हो या वर्कमैन की, यूनिफॉर्म कर दी। तो उससे क्या है कि एक्चुअली हमारे कोर्ट को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी और एम्प्लॉयर भी थोड़ा सा उनको। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज।